कांग्रेस के खिलाफ मोदी का चुनावी रथ तेज रफ्तार से आगे बढ़ता दिख रहा था, लेकिन बीच में अरविंद केजरीवाल के उत्थान ने उसकी राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। लिहाजा पार्टी ने भी एक अनोखी चुनाव नीति, एक नोट एक वोट का ऐलान कर दिया, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये चुनाव नीति बहुत कुछ आम आदमी पार्टी के अभियान की तर्ज पर ही है। बीजेपी नेता भले ही आम आदमी पार्टी को ऊपरी मन से ज्यादा भाव ना देने की बात कर रही हो, लेकिन पार्टी ने आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही मोदी को पीएम बनाने के लिए एक नोट एक वोट अभियान शुरू किया है। आपकी ही तरह पार्टी ने पारदर्शिता पर जोर देने के लिए दावा किया है कि हर घर से चंदा लेने के साथ ही उसकी रसीद भी दी जाएगी। इस मिशन के तहत बीजेपी ने 10 करोड़ घरों तक जाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी कार्यकर्ता एक नोट एक वोट की योजना के साथ गांव शहर के 10 करोड़ परिवारों से सीधे संपर्क करेंगे। सभी परिवारों को बीजेपी की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बनाकर लोगों से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी। साथ ही हर परिवार से 10 से लेकर 1000 रुपए तक का चंदा जमा किया जाएगा। जमा की हुई रकम का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव लड़ने में किया जाएगा। नरेंद्र भाई को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करिए और इस चुनाव अभियान के लिए आप मदद भी करिए। हर मोहल्ला में, गली में, हर गांव में हम इस कैंपेन को चलाएंगे और कम से कम 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन के लिए हम निवेदन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी हरेक से लेगी। इसी महीने की 11 तारीख को भी दिल्ली में पार्टी महासचिवों की बैठक में नरेंद्र मोदी ने अपने सिपहसालारों के बीच जीत के मंत्र का जाप किया। सूत्रों से मिले समाचार से संदेश साफ था कि आम आदमी पार्टी की काट ढूंढी जाए और नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच संवादहीनता को दूर किया जाए। पार्टी की इस मुहिम से साफ है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इस बार भी किसी भी कीमत पर सिर्फ पीएम इन वेटिंग का ही तमगा हासिल कर बैठे रहना नहीं चाहते हैं, चाहे इसके लिए आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही चलना क्यों ना पड़े।